नमस्कार, मैं राहुल। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्लीज़ दबा लें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नरेशन इन दिस वीडियो क्लिप। सो लेट्स स्टार्ट। नरेशन, द वर्ड नरेशन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नरेट वर्ब। It means to say, to speak, or to state. And its noun is a speech and statements. You can say that narration, a speech, and a statement. These are the synonyms. So, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नरेशन का कितना टाइप होता है, इसका क्या डिफिनेशन होता है और कैसे चेंज करते हैं। So first of all, look at the definition of the narration. The act of narrating something is called narration. The act of narrating something is called narration. किसी भी बात को express करने का जो तरीका होता है उसको narration बोलते हैं। There are two types of narration. First, direct speech. And second one is indirect speech. Direct speech, the statement which is mentioned in the inverted comma is called direct speech. जो statement inverted comma के अंदर mention होता है उसे direct speech बोलेंगे, और जो inverted comma के अंदर mention नहीं होता है उसे indirect speech बोलते हैं। As for example, he says, comma, inverted comma, you are well. ये पूरा को डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे क्योंकि ये इनवर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन है, इसलिए दिस सेंटेंस इज डायरेक्ट स्पीच। ही सेज टू मी, आई एम वेल हियर। इस सेंटेंस में He says to me, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग अ स्पीच। और आई एम वेल हियर ए रिपोर्टेड अ स्पीच, इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। इसमें जो ही सब्जेक्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। Says verb है इसको बोलते हैं reporting verb, और any object ही से बोलेंगे reporting object। Next हम लोग change करते हैं narration को, उसमें सबसे पहले हम लोग को study करना है change of person, change of person क्या है। तो इसमें बेसिकली प्रोनाउन जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन उसे हम लोग चेंज करते हैं, जैसे आई हो गया, मी हो गया, यू हो गया, यू, ये सब जो पर्सन है इसको हम लोग चेंज करते हैं। जस्ट लुक एट हियर, चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग दो टेबल को स्टडी करते हैं। फर्स्ट एस ओ ए, वन टू थ्री। S is stand for subject, subject of the reporting a speech. Object, object of the reporting a speech. A stand for no change. One, first person, second person, and three stand for third person. तो first person subject के अनुसार बदलता है, कौन सा subject, तो reporting verb का subject। Second person object के अनुसार चेंज होता है,
कौन सा ऑब्जेक्ट तो रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन आता है तो उसे चेंज नहीं करते। तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे। नेम नहीं, नेम तो नाउन होता है इसलिए नेम को थर्ड पर्सन नहीं बोले। सो नेक्स्ट हम लोग एक और टेबल देखेंगे, वो केस टेबल होता है। केस टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस टेबल में आपको सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानना है। नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट, और पजेसिव केस जो आप देखते हैं उसका उसकी वगैरह के लिए जो आता है उसको हम बोलते हैं पजेसिव केस। और इसमें दो पार्ट होता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। और यहाँ पे हम लोग एक जो एक्स्ट्रा लाइन की चाहिए पर्सन है, इसे हम लोग फर्स्ट पर्सन भी देख लेंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई का जब एडजेक्टिव करते हैं तो उसका माई होता है, प्रोनाउन में माई, और ऑब्जेक्ट जब इसका बनाते हैं तो मी। वी का आवर, इसका जब प्रोनाउन करते हैं तो आवर्स, और इसमें अस। इसके जस्ट बाद हम लोग सेकेंड पर्सन मीन करेंगे। सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है, यू का एडजेक्टिव बनाएंगे तो योर, और जब प्रोनाउन इसका बनाते हैं तो योर्स, और ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, इसका एडजेक्टिव हीज, और प्रोनाउन भी हीज ही होता है, और इसका जब ऑब्जेक्टिव केस करते हैं तो ही। नेक्स्ट सी का हर, प्रोनाउन में इस लगा देंगे हर्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस हर। ईट का ईट होता है, इसका एडजेक्टिव इट्स, प्रोनाउन में कुछ नहीं होता है, क्रॉस करेंगे, और इसका ऑब्जेक्ट इट्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट डी का जब एडजेक्टिव करते तो डियर, इसका जब प्रोनाउन बनेंगे तो डियर्स, और जब इसे ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो दे होगा। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। लुक एट सम एग्जांपल्स। ही सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम वेरी here। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करने से पहले हम लोग कुछ रूल को देख लेते हैं। से अगर आता है से टू, इसे आप चेंज कर टेल में कर लेंगे। अगर कहीं सेज टू रहता है तो आप इसे चेंज करके टेल्स करेंगे, और सेड टू मिला तो आप उसे टोल्ड में कर लेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉमा इनवर्टेड कॉमा मिलता है आप उसे चेंज करेंगे डैट में, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ही सेज टू मी आई विल हियर, सबसे पहले ही को चेंज किए, ही को ही, सेज टू को किसमें चेंज करना, टेल्स, इसलिए टेल्स करिए। मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह मैंने बताया अभी क्या करना है, डैट लगाना है, तो डैट लगाना है। आई एक कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। केस टेबल आप देखिए, स्किप करके वीडियो देख सकते पीछे, एक फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी आई को चेंज किए ही में। आई के साथ एम लगा रहे हैं लेकिन ही के साथ क्या, इज आपको लगाना है। इसके जस्ट बाद वेल है तो वेल लिखेंगे, ईयर है ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखेंगे, ही सेज टू हर कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर हैप्पी, इनवर्टेड कॉमा बनाओ।
ही काही सेल्स को डेल्स में करेंगे, हर का हर, इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर डेट, इसके बाद देख रहे हैं कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव किस है, सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये देख रहे हैं हर है, ऑब्जेक्टिव किसका, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, क्या मैं यहाँ पे हर लिख दूं, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों का केस मैच नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों का केस भी मिलाना है, तो ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर का सब्जेक्ट आप वीडियो को स्किप करेंगे पीछे, तो आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है अर्थात नॉमिनेटिव केस है, तो ये हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो वहां पे आपको मिलेगा सी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, सी, इसलिए सी लिखेंगे। अब यू के साथ आर लिख रहे हैं, सी के साथ भी आर लिखेंगे क्या, नहीं, सी के साथ ई सी लिखेंगे, और इसके बाद हैप्पी है, फिर है He says to her, comma inverted comma, you are my sister, you are my sister. He कहीं लिखे says to को आपको tense में बदलना था, tense में मैंने बदल दिया। इसके बाद हर का हर, comma inverted की जगह पर that. ए कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन और भी क्या, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस, सेकेंड पर्सन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो केस रहता है इधर वाले को वैसा ही बनना पड़ता है, तो ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट, हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा। इसके बाद यू के साथ आर आता है तो सी के साथ क्या होगा, इस माय क्या है, तो फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव है, माय फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका ही है, तो क्या मैं यहाँ ही लिख दू, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो ही का एडजेक्टिव क्या होता है, इस, सी यहाँ पे इज लिखेंगे, और सिस्टर है तो फिर सिस्टर, फाइनली सेंटेंस ही टेल्स हर दैट सी इज हिज सिस्टर। एक और सेंटेंस देखेंगे, आई से टू यू कॉमा इनवर्टेड कॉमा, माय फादर इज going to your house, my father is going to your house, ये sentence है। यहाँ पे I का I, say to को मैंने बताया था tail में, और you का you, comma inverted comma की जगह पर dad लिखेंगे, और my क्या है, first person का adjective, first person change होता है according to सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का आई है, और उसका जब बनाएंगे तो क्या होगा, माय का माय, फादर का फादर ही होगा, इज वही सेम, गोइंग का गोइंग, और डू का डू, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, बात वही हुआ, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका भी एडजेक्टिव बनाएंगे, तो फिर यू का एडजेक्टिव भी यू ही होता है, इसलिए सॉरी योर होता है, और योर का योर रह गया, और हाउस का हाउस, दैट्स ऑल।